अरे चलो आज मूवी देखने चलते हैं। क्या परसों ही तो गए थे फिल्म देखने। चलो ना, मुझे नहीं पता, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि सैटरडे को मूवी देखने चलोगे। चलो यार, एक दिन फिल्म देखने नहीं जाएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? तुम्हारे पास ना सबके लिए टाइम है, अपने काम के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपनी वाइफ के लिए, कभी नहीं। यार मैं बहुत थका हूँ, आज नहीं जा सकता, इतनी सी बात तो समझ लो। तुम्हारी थकान मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक काम करो, तुम पूरा दिन ना सिर्फ काम ही करते रहो, मेरे से बात मत करना। यार रुचि, हाय बेबी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? बेबी तू मेरा वोडाफोन और मैं तेरा कुत्ता। Wherever the network goes, I'll follow. ये वाला ट्राई करो ना। तुम चिल्ला किस लिए रहे? तुम्हारे चिल्लाए बिना भी तुम्हारी आवाज यहाँ तक पहुंच रही है। अरे बेबी मैं चाहता हूँ मेरा एक एक अल्फाज तुम तक पहुंच जाए, इसलिए तेज बोल रहा हूँ। बेबी तुम्हारी आंख लगी और मैं टाइम स्पेंड करने के लिए आ गया। All for you, babe. Baby! Action! अरे बाबी! क्या कर रहे हो तुम ये? टाइम स्पेंड कर रहा हूँ बेबी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो आज तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। बेबी! अरुण, अरे बेबी, अरे तुम आओ, अरे आओ ना बैठो। अरुण तुम आज जल्दी कैसे आ गए उसे? ऑफिस। अरे मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ दी क्यों? टाइम स्पेंड करने के लिए तुम्हारे साथ। अरुण इनफ, तुमने सिर्फ मेरी एक बात के लिए अपनी ड्रीम जॉब छोड़ दी? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकते हो? मेरी काहे की ड्रीम जॉब? तुम ही तो मुझसे बोलती थी कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। अरुण, टाइम देने का मतलब ये नहीं होता कि तुम 24 घंटे सिर्फ मेरे साथ बिताओगे। लाइफ में बहुत कुछ होता है करने को, और भी कितने काम होते हैं। एग्जैक्टली रुचिका, यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि लाइफ में बहुत चीजें होती हैं करने के लिए। टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे साथ में ही रहें, बहुत चीजें होती हैं। अरे मैं तो ऐसा, रुचिका मेरी बात सुन। पता है ऐसा शायद ही कोई दिन गया होगा जब मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की, चाहे मैं ऑफिस से कितना ही थका हारा क्यों ना हूँ, चाहे मेरे ऊपर कितना ही वर्क प्रेशर वर्कलोड क्यों ना हो, हमेशा मैंने तुम्हें दिया है। और उस दिन मैं खुद के लिए थोड़ा सा वक्त मांग रहा था तुमसे, उसी में तुमने मुझसे क्या बोल दिया कि मैंने तुम्हें कभी टाइम नहीं। I'm really sorry. मैं आज के बाद ऐसी जिद कभी नहीं करूंगी। मेरी इतनी सिली मिस्टेक की वजह से तुम्हारी जॉब चली गई। क्या हुआ? नहीं वो मेरी कोई जॉब नहीं गई है। मैं थोड़ा जल्दी आ गया। अच्छा, और ये नाटक मैं बस तुम्हें समझाने के लिए कर रहा था। अच्छा ठीक है, माथा मत पकड़ो, फिल्म देखने चलो। क्या बात है, चलो बैग उठाओ, आ जाओ।